अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे। मेरी दुआ है सब ठीक ठाक हों, खैर ऑफियत से हों। और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब लोग ठीक होंगे। फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 11 o'clock मैंने काम स्टार्ट किया, तो मैंने साथ ही ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। और यार आज मैंने लंच से स्टार्ट किया है, बस इसके बाद मैंने लंच बनाया। लंच में बनाया था यमी सा पाया, और इसके साथ मैंने बाहर से रोटी मंगा ली थी, और इसके साथ बस यही हम लोगों ने खाया आज। तो बहुत अच्छा सा लंच था, बहुत मज़ा आया खाने में। ठंडक में पाया की बात ही कुछ और होती है, लेकिन बस यही है, बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मैंने रात में ही इसे बना लिया था, मैंने कहा रात में बना लूँगी क्योंकि मॉर्निंग में बहुत काम हो जाता है, टाइम नहीं मिलता। तो हस्बैंड मेरे जल्दी आ जाते हैं लंच पे, 12 o'clock पे आ जाते हैं, तो फिर इसलिए लंच जल्दी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं इस मॉर्निंग में सबसे पहला काम यही करती हूँ। आज मैं आपके साथ समझे हाफ डे रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि ये लंच तो मैंने कंप्लीट नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैंने रात में ही रेडी कर लिया था। बस मास को खिलाना खाना एक बहुत बड़ी जंग है, तो मास बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहता, उसको ज़बरदस्ती मैंने खिलाना पड़ता है। तो समटाइम्स खुद भी खा लेता है, लेकिन समटाइम्स खुद खिलाना पड़ता है। पर सुबह से पता है, आज मास सुबह से ही कह रहा था कि मुझे ना ग्रेवी राइस और दाल खानी है। मतलब अजीब अजीब कॉम्बिनेशन, मास को याद आ जाता है, फिर मास जिद करने लगते हैं कि नहीं मुझे यही खानी है। तो मैंने कहा मैंने ग्रेवी जो बनाई है वही खा लो तुम, और उसके साथ रोटी खा लो बस। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चलता ही रहता है, पूरा घर तो मेरा बिल्कुल स्कूल हुआ रहता है। मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है जब वो 9 o'clock से, तो ख़त्म होता है शाम में 6 बजे, और कुछ के सुबह में होते हैं, कुछ के 2 बजे के बाद होते हैं, लंच के बाद, जोहर बाद होते हैं। तो बस ये सिलसिला पूरा दिन चलता रहता है। समटाइम्स मुझे भी फील होता है कि मैं जैसे स्कूल में बैठी हुई हूँ, चारों तरफ क्लासेस चल रही हैं। ये मास की क्लासेस ख़त्म हुई, मास ने सारी बुक्स अपनी इसी तरह से फैला दी, और अब यहाँ पे मैं आपके साथ दिखा रही हूँ अपना न्यू लैपटॉप। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने इसीलिए नहीं की थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसे। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो आप लोग भी, अमेज़ोन के प्रोडक्ट वैसे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें मंगाई तो बहुत अच्छी हैं, और यूज़ भी हो रही हैं, बहुत स्ट्रांग भी हैं। तो बस ये लैपटॉप भी मैंने यहाँ पर काफ़ी शॉप्स पे देखा, जो पसंद आ रहा था वो मॉडल नहीं मिल रहा था, अवेलेबल नहीं था। तो ये देखिए मैंने अमेज़ोन से मंगाया लिनोवो का, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये, इसे मैं यूज़ किया और बहुत पसंद आया मुझे, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियोस अगर अच्छी लगा करें तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही लगता है कि वीडियोस आपको बहुत पसंद आती हैं। मुझे भी आप लोग की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके चैनल पर जाऊँ और विजिट करूँ और अच्छे अच्छे कमेंट्स दूँ। और उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब 3 मिनट्स वॉच करके कीजिएगा चैनल पे अगर नए, तो साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा करें, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह हम लोग का साथ बहुत बहुत लंबा होने वाला है। तो बस ये देखें, इसका ये लैपटॉप है, और इसका ये चार्जर था जो अभी भी मैंने आपको दिखाया, और इसका अंदर का ये है, बहुत अच्छा, बहुत ग्रे कलर का मैंने चूज़ किया था। इसमें कलर्स तो थे, लेकिन मैंने ग्रे लिया क्योंकि मुझे यही अच्छा लगा, और ब्लैक और ब्लू मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैंने इसी को लिया। तो इसके बाद फिर अब ये मैंने अपने लिए लिया, अपने काम के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम होता है, तो मैं बच्चों के लैपटॉप नहीं ले सकती क्योंकि उनकी रोज़ की क्लासेस हो जाती हैं, तो समटाइम्स उनके लैपटॉप खाली ही नहीं होते। तो बस इसलिए मैंने अपने लिए ले लिया कि मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं आराम से यूज़ कर सकती हूँ अपना, तो इन लोगों का नहीं लेना पड़ेगा। बहुत प्यारा सा है, और अमेज़ोन से अगर आप लोग अभी तक नहीं लिया है तो ज़रूर लें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वहाँ का। और अब फिर उसके बाद मास की गपशप शुरू हो गई अपने फादर के साथ, तो मास काफ़ी बातें करते हैं और बहुत सुकून आफियत से बैठ के करते हैं। तो बस थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ भी शूट कर लिया, और उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और लेकर आऊँगी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए। किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लाने की जो आपको बहुत पसंद आए। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में।
अच्छा आज मैंने अपने इस फ्लावर्स को भी क्लीन किया, और कैसे क्लीन किया, बहुत इजी तरीके से। मैंने इसे अच्छा था इसका लिक्विड बना लिया माइल्ड शैम्पू से, और इसे बस डिप किया और निकाला, और ये बिल्कुल क्लीन हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि हम लोग इतनी मेहनत करती थी मैं पहले इसे क्लीन करने के लिए, लेकिन अभी बहुत इजी तरीके से मैंने इसे क्लीन कर लिया। फिर मैंने मशीन में कपड़े डाले और अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं बच्चों को लेके जा रही थी पार्क, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो घर में तो इतनी धूप नहीं मिल पाती हम लोगों को, तो बस मैं निकल रही थी, तो मैंने ये भी थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही होता है, स्पेशली यहाँ लोग आते हैं स्नोफॉल देखने के लिए। तो अब ये जनवरी के लास्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल होगा और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस मैं जा रही थी पार्क, और ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ भी शूट किया। ये यहाँ पे पहले रेलवे स्टेशन था, तो अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन पहले था, लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो बस इसके बाद सारे काम मैंने ख़त्म करने के बाद बाहर आ गई, फिर बाहर पे थोड़ा सा शूट करने के बाद फिर मैं वापस घर गई। तो यार बहुत थक गई थी मैं, इतना लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन ये है कि मज़ा भी आता है समटाइम बाहर निकलने का। लेकिन बस काम ख़त्म करके निकलो तो बंदा इत्मीनान में रहता है कि हमने जाके कुछ नहीं करना। तो बस आज का ब्लॉग आपको उम्मीद है पसंद आएगा, और हर मदर्स का यही काम है जैसे हम लोग करते हैं, सेम सारी मदर्स वैसे ही करती हैं, और अपनी बिजी शेड्यूल में से भी बच्चों के लिए फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकालती हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो बस यहाँ आ गई थी, मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास में है ये पार्क, तो यहाँ पर मैं अक्सर ही आती रहती हूँ, तो बस यहाँ आ गई थी। इसके बाद आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल, और अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती चलती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू, जो यहाँ पे काफ़ी ठंडक बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा लगने लगता है यहाँ। आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आप लोग भी इस तरह से अपने बच्चों को लेकर जाते ही होंगे, तो आई थिंक सभी का ये काम है जो हम लोगों का, सारे मदर्स का सेम ही काम है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और आप किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं देखना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए उस तरह का वीडियो लेकर आऊँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे इन लोगों ने खूब इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा खेला और बहुत थक गए, क्योंकि घर में तो कोई एक्टिविटी है नहीं ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ और प्रेफर भी करती हूँ कि मैं थोड़ा बाहर लेके आ जाऊँ, क्योंकि इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत हो जाती है। तो बहुत मज़ा आया, और हम लोग भी थोड़ा थक जाते हैं यार घर में रह रहे के, बहुत बोर हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ मास की फुल मस्ती शुरू हो गई थी सारे बच्चों के साथ, तो मास अकेले बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन जब सारे बच्चे इनको मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आजकल किसी का भी आना जाना घर में भी नहीं है, फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल। तो बस यही है कि बस खुद ही बच्चे अपने आप में ही इंजॉय करते हैं, तो बस यही है बाहर लेके चले जाओ तो सभी अच्छे से खेल लेते हैं, खुश हो जाते हैं।
अभी तो क्लासेस यहाँ के शुरू हो गए, स्कूल्स वगैरह अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, सारे कुछ क्लोज ही हैं। अब देखें इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। यार स्कूल ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए। और काफ़ी दिन से बच्चे घर में ही हैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। मेरा ब्लॉग आज तक यहीं तक था और इंशाल्लाह मिलती है एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।